उपेंद्र कुशवाहा जाति आधारित गणना का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने राजभवन भी आज मार्च किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जाति आधारित गणना में घालमेल हुआ है, सिर्फ दो जाति को छोड़कर किसी जाति का काम नहीं हुआ है। इस मामले में कई राजनीतिक पार्टियों का भी बयान सामने आ गया है। और ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जाति जनगणना कराने की बात हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री से गए थे मिलने, प्रधानमंत्री ने अस्वीकार कर दिया। जिनके ये दुलारे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, तो घालमेल हुआ है। अब सुन लीजिए पहले मेरी बात, उसके बाद आप मुझे बोलिए। तो जब प्रधानमंत्री जी ने रिफ्यूज कर दिया, तब जाकर के नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने मिलकर के जब सरकार बनी, तो जाति जनगणना कराई गई। और जाति जनगणना हुई तो अगर किसी को मतभेद है, किसी को लगता है, खास करके उपेंद्र कुशवाहा जी को, जाति आधारित गणना को लेकर बिहार में सियासत जारी है। बीजेपी द्वारा इस मामले में सवाल उठाए जाने के बाद जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट दिखाए। नरेंद्र मोदी इसलिए आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण नहीं कर रहे क्योंकि उनसे उनकी जाति का पता चल जाएगा, उनको इस बात का भय है। इसी कड़ी में उन्होंने चिराग पासवान पर भी खूब तंज कसा है कि जाति की सूची है खांची मुस्लिम कहा गया है। ये दस्तावेज है, ये मेरा नहीं है, ये भारत सरकार के राजपत्र के गुजरात द गैजेटी ऑफ इंडिया और उसके 23वें नंबर पर ही है यह। तो इसमें कहीं भी खांची जाति को ओबीसी में शामिल करके नहीं दिखाया गया। 1931 की जनगणना का भी आप सूची देख लीजिए, उसमें भी कहीं मूल खांची जाति का वर्णन नहीं है, कहीं वो लिस्ट में नहीं है। 31 में नहीं है, 93 में नहीं है, अब परंतु खांची जाति का वर्णन है, मूल खांची नहीं है। तो खांची जाति में हिंदू खांची 6 तरह के थे, मुस्लिम खांची 1972 का जो सेंसस है, जो यह अधिसूचना है, इसमें भी मुस्लिम खांची है, सीरियल नंबर इसका है, मैं वो दिखा रहा हूं, सीरियल नंबर है इसका 25, खांची मुस्लिम। बिहार के गया पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बलात्कार और हत्या की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता तक की हत्या हो रही है, बालू माफिया काफी सक्रिय है, बालू माफिया बिहार में समानांतर सरकार चला रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनी तो अयोध्या काशी और मथुरा की तरह गया जी का भी विकास किया जाएगा। जी सर, पहले बताइए त्रिपक्ष का आज मेला का समापन भी है और इतना अमावस्या का पवित्र दिन है तो हम लोगों ने तर्पण भी किया है और गया शहर बिहार की पहचान है, मुक्ति का धाम है और देश ही नहीं विश्व से लोग यहाँ आते हैं और आज इस धाम को फिर से ज़रूरत है। जैसे अयोध्या काशी और मथुरा की पहचान यूपी में है तो बिहार में गया का पहचान उससे भी बड़ा है और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो व्यवस्था सुलभ किया गया, प्रशासन उस व्यवस्था में बेहतर करने का प्रयास किया है, लेकिन बाहर के पर्यटक जो आ रहे हैं उनके लिए और बेहतर। मोतिहारी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के निर्देश पर शनिवार को जनसुराज के जिला मुख्यालय में जिला कार्यवाहक समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनसुराज की सोच को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर नए पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले में वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी बनाने का काम किया जा रहा है। सभी प्रखंड अध्यक्षों और प्रखंड कमेटियों को एक माह के भीतर वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी गठित कर जिला कार्यालय के साथ जोड़ने का निर्देश दिया गया है। कार्यालय में कराएं, अपना मोबाइल नंबर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं और वो अगले पद यात्रा में शामिल होने के लिए कोई एक सप्ताह के लिए चले, कोई डेढ़ सप्ताह के लिए चले, जो जितनी क्षमता जिनके पास हो, जितना समय वो देना चाहते हैं, पद यात्रा में निश्चित शामिल हो, क्योंकि पद यात्रा ही
जननी जिला कार्यालय में कराएं, अपना मोबाइल नंबर अपना कॉन्टेक्ट नंबर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं और वो अगले पद यात्रा में शामिल होने के लिए कोई एक सप्ताह के लिए चले, कोई डेढ़ सप्ताह के लिए चले, जो जितनी क्षमता जिनके पास हो, जितना समय वो देना चाहते हैं पद यात्रा में निश्चित शामिल हो, चूंकि पद यात्रा ही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर नवरात्र के समय शिक्षकों के ट्रेनिंग को लेकर बिहार सरकार पर तंज कसते उन्होंने कहा कि हिंदुओं का पवित्र त्यौहार में ऐसे ट्रेनिंग से बचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और संज्ञान में लेकर उचित कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज के प्राय हर घर में नवरात्र का पाठ किया जाता है, इससे लोगों को परेशानी होगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। वहीं हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मेटेरियल कहे जाने पर कहा कि नीतीश कुमार अब संन्यास मेटेरियल हो गए। इसका संज्ञान रखना चाहिए। दशहरा दुर्गा पूजा एक बहुत ही कहा जाए कि हर घर में लगभग जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं प्राय हर परिवार में पाठ होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए था कि प्रशिक्षण करना भी है तो जो गैप का समय हो उसमें प्रशिक्षण होता है तो ज़्यादा प्रशिक्षण में भी मन लगेगा, बढ़िया से प्रशिक्षण भी हो पाएगा। इसमें परेशानी लोगों को काफ़ी हो रही है। सर ये नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण की बात अब सरकार लागू कर रही है, अब इतने दिनों के बाद क्या कहेंगे? देखिए कैबिनेट में भी पास कर दिया गया, भाई सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा द्वारा राजभवन मार्च पर जदयू ने कटाक्ष किया है और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रपति के पास मार्च करें या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा में जाकर मार्च करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जातीय गणना पर सवाल उठाने वाले को जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखा देगी। काराकाट के जदयू सांसद महाबली सिंह ने कोचस में एक निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सन 1931 में जब जनगणना हुई थी कुशवाहा जाति की संख्या महज 10 लाख के करीब थी, जबकि बिहार झारखंड आदि राज्य एक थे, अभी आबादी 55 लाख से भी अधिक हो गई है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का सवाल उठाना वाजिब नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें बिहार सरकार की जाति गणना की रिपोर्ट सही नहीं लगती है तो केंद्र सरकार से कहकर क्यों नहीं करवा लेते। मार्च करना है, लोकसभा मार्च करना है, राष्ट्रपति के यहाँ मार्च करना है, तो किसी को लोकतंत्र में रोका गया है? अब हमको मालूम नहीं कि काहे ये लोग मार्च कर रहा है, काहे ये लोग मार्च कर रहा है, ये तो हमको जानकारी नहीं। जातीय जनगणना जो हुआ है एकदम सही ढंग से हुआ है, हम लोगों ने हर जगह पता लगाया है, कहीं गलत नहीं हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि हमारी आबादी 9% था, पहले 12% था, जब हो गया है 4%, कहाँ था, कौन करे? 1931 में जनगणना हुआ है तो उसमें कहाँ है? उस समय तो बिहार और अब कायस ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी जनसंख्या थोड़ा घटा है, उसका जनरेशन कम हो रहा है और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जनरेशन बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। अब जिनकी आबादी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है तो जाइए देखिए ना उनकी आबादी कैसे बढ़ी है, एक एक घर में 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे। सासारा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा और ज्योतिराव मांझी को अंबेडकर विरोधी बताया। साथ ही कहा कि जब से जातिगणना की रिपोर्ट आई है उसके बाद कुशवाहा जी जैसे नेता बीमार पड़ गए हैं, भाजपा के साथ जाने वाले जितने भी दलित पिछड़े नेता हैं सभी को उन्होंने अम्बेडकर विरोधी बताया और कहा कि आने वाले चुनाव में उन तमाम दलित पिछड़े नेता जो भाजपा के साथ खड़े हैं उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का अपना इलेक्शन सिंबल भी नहीं है, वह खुद भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ने के लिए परेशान है। नहीं मालूम जहिया से, अब तो उनको आज सिंबल नहीं हो तो बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं तो क्या विरोध करेंगे? पहले उनसे पूछिए कि कौन सिंबल से चुनाव लड़िएगा, बीजेपी कौन छाप से लड़े, और मांझी चाहे जो भी नेता है, जो नेता इसका विरोध करता है या जो भाजपा में है भी दलित पिछड़ा वो सब अम्बेडकर।